सूचना एवं प्रथम अपीली अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यों में मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा कि जन सूचना अधिकार नियमावली का कड़ाई से हो पालन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विवेकानंद छात्रावास में दिन दहाड़े हवाई फायरिंग और मारपीट की घटना से मचा हड़कंप। कमिश्नर अनिल कुमार ने किया नगर निगम के विभागों का निरीक्षण, कहा ऑनलाइन हो सभी विभाग। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक, साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं के निस्तारण का दिया आदेश। चौरी चौरा के व्यवसायी से रंगदारी के मामले में पुलिसिया दबिश के दबाव में आकर अभियुक्त ने किया न्यायालय में समर्पण। एसएसपी शलभ माथुर ने सभी थानाध्यक्षों को शासन के निर्देश को गुणवत्ता के साथ निस्तारित करने का दिया निर्देश। यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य पर वापस लौटे मूल्यांकन केंद्र व्यवस्था से नाराज शिक्षक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रांगण में 23 मार्च से आरंभ होगा 3 दिवसीय संत कबीर सत्संग समारोह। नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदेश अध्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ किए बैठक। और सुपर क्लब को 35 रनों से हराकर सांस्कृतिक क्रिकेट टीम एकेडमी पहुंची आतिफ कप अंडर 12 के सेमीफाइनल में।